मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। पति की जैकेट टी शर्ट लेकर बिग बॉस में आई दीपिका। बिग बॉस कंटेस्टेंट दीपिका कक्कड़ इब्राहिम शो में जिस तरह से खेल रही है दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। शो में वो कई बार पति शोएब इब्राहिम को याद कर इमोशनल हुई हैं। दीपिका शो में पति के कुछ टी शर्ट्स और जैकेट लेकर गई हैं। शादी के बाद ये पहली बार है जब दीपिका पति शोएब से अलग हुई है, वो भी 3 महीने के लिए। इसलिए शोएब को खुद के करीब महसूस करने के लिए वो घर में उनकी टी शर्ट और जैकेट लेकर गई है। दीपिका अपनी फैमिली को लेकर काफी इमोशनल है। करण और श्रीसंत को खूबसूरत लगती है ये कंटेस्टेंट। श्रीसंत टेबल पर बैठकर नाश्ता करते नजर आते हैं, तभी दीपिका भी टेबल पर पहुंचती है। दीपिका को देखकर वहां मौजूद करण सिंह बोहरा उनसे कहते हैं, आपकी लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है। इस पर दीपिका बताती हैं कि उन्होंने 2 कलर को मिक्स किया है। ये बातें सुनकर श्रीसंत कहते हैं, दीपिका तो बिना मेहनत करे सुंदर दिखाई देती है, आप तो एफर्टलेस ब्यूटी है। दीपिका टीवी की दुनिया का चर्चित चेहरा है, उन्हें आज भी टीवी शो ससुराल सिमर का में लीड रोल निभाने की वजह से घर घर में पहचाना जाता है। सुबह बेड पर सबसे पहले उठकर ये काम करती है जसलीन। आपने शायद गौर किया हो कि पिछले एपिसोड में जैसे ही बिग बॉस का अलार्म सॉन्ग प्ले हुआ, जसलीन अंगड़ाई लेने के बाद खुद को संवारने में लग गई। दरअसल जसलीन ने अपने बेड पर रखी लिपस्टिक या लिप बाम को उठाया और उसे होठों पर अप्लाई किया। लिपस्टिक या लिप बाम अच्छे से अप्लाई करने के बाद ही जसलीन बेड से उतरी और फिर डांस करने लगी। हो सकता है कि ये उनकी पुरानी आदत हो, लेकिन जसलीन ये बात बखूबी जानती है कि दिन भर चाहे बिग बॉस के कैमरे में कैद हुए उनके पल स्क्रीन पे न दिखे, लेकिन कंटेस्टेंट का मॉर्निंग डांस जरूर ऑन एयर किया जाता है। अनुप जलोटा हुए रोमांटिक। घर के ज्यादातर कंटेस्टेंट किचन एरिया में काम कर रहे हैं। जसलीन कुछ बना रही हैं, जबकि उनके बगल में कृति भी उनका खाना बनाने में हाथ बटा रही हैं। तभी सौरभ आते हैं और कहते हैं कि तुमने आज गुलाबी रंग क्यों पहनाया मुझे। जसलीन कहती हैं, गुलाबी आज का लकी रंग है। जसलीन कहती हैं कि मैंने तो ऐसे ही पहन लिया था, पहले से तय नहीं किया था। तभी वहां मौजूद अनूप जलोटा कहते हैं कि लोग तुम्हें देखकर गुलाबी रंग पहनने का सोचेंगे, जो तुम करती हो वो सब करते हैं। इसके बाद अनूप जलोटा गाना गाने लगते हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम टमाटर को कहो प्याज तो हम प्याज कहेंगे। ये सुनकर जसलीन हंसने लगती है और कहती है, सो स्वीट। सरप्राइज गिफ्ट पाकर भावुक हुई दीपिका। बिग बॉस ने हाल ही में कुछ कंटेस्टेंट्स को उनके परिवार द्वारा भेजे गए गिफ्ट्स दिए। इस दौरान दीपिका कक्कड़ इब्राहिम काफी इमोशनल हो गई। उनके पति शोएब इब्राहिम ने ये गिफ्ट्स भेजे थे, जिन्हें पाकर दीपिका बेहद भावुक हो गई। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई और रोने लगी। शोएब ने अपनी और दीपिका की शादी की कुछ तस्वीरें भेजी थी, जिन्हें देखकर एक्ट्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर वाले भी दीपिका के ये गिफ्ट्स देखने लगे, वो सभी शोएब की तारीफ करने लगे। सोमी सवा ने कहा कि आपके पति काफी स्मार्ट है। शिवाशीष ने कहा कि ये काफी फिट भी है। जब शाहरुख से पहली बार मिली दीपिका। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने शो में बॉलीवुड के बादशाह यानी किंग खान संग पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया था। एक्ट्रेस ने शाहरुख खान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, शाहरुख के साथ काम करने का मेरा शानदार अनुभव रहा है, वो एक बेहतरीन इंसान है, मैंने उनके घर जाकर शूट किया था। दीपिका ने कहा, शो ससुराल सिमर का के पहले 3 महीने की शूटिंग के वक्त मैं किंग खान के घर गई थी। सीरियल की स्टोरी एक ऐसी लड़की की थी जिसका सपना शाहरुख से मिलना है। आप जब बड़े लोगों के साथ काम करते हो तब आपको लगता है कि ये क्यों बड़े हैं, ये लोग बहुत दयालु और जमीन से जुड़े हुए हैं। शूट शुरू होने से पहले शाहरुख ने कहा कि मैं अपने को एक्टर से मिलना चाहता हूं, ये सुनकर मैं काफी इंप्रेस हुई। दीपिका ने कहा, आज भी जब मैं सोचती हूं कि शाहरुख ने मुझे अपना को स्टार कहा था तो मुझे यकीन नहीं होता, बहुत स्पेशल फील होता है। कंटेस्टेंट को मिला नया लग्जरी बजट टास्क। बिग बॉस में पहला टास्क श्रीसंत और शिवाशीष सौरभ की वजह से रद्द हो गया था। दूसरे हफ्ते के टास्क का खुलासा हो गया है। ये जोड़ी वर्सेस सिंगल्स के बीच खेली जाएगी। इस टास्क में कंटेस्टेंट्स को अपने धैर्य का परिचय देना होगा। सिंगल्स के साथ छिड़ी इस जंग में जोड़ियां सारी हदें पार करती दिख रही हैं। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त घमासान हो रहा है। टास्क के तहत कुर्सी पर बैठे सेलिब्रिटी को जोड़ियां हर तरीके से तंग करेंगी ताकि वो टास्क छोड़ दें। जोड़ियां जीतने के लिए पानी, मिर्च, कूड़ा जैसी सभी चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं। टास्क के दौरान सृष्टि की आंख में लगने की वजह से वो चिल्ला रही हैं। श्रीसंत गुस्से में कहते दिखते हैं कि थप्पड़ पड़ेगा, जिसके बाद सोमी कहती है, मार के दिखाओ। हीना की तरह कई जोड़ी सूट लेकर आई है ये कंटेस्टेंट। बिग बॉस सीजन 12 में हीना जितनी स्टाइलिस्ट फीमेल कंटेस्टेंट अभी तक कोई नहीं है, लेकिन हीना खान की तरह सृष्टि रोड़े का नाइट सूट लव जरूर देखने को मिल रहा है। सृष्टि को बिग बॉस हाउस में अक्सर ट्रेंडी और अलग अलग वैरायटी के नाइट सूट्स में देखा जाता है। वो घर में रफ एंड टफ लुक में नजर आती हैं। उनके मंगेतर मनीष नागदेव ने बताया कि सृष्टि बिग बॉस हाउस में 40-45 नाइट सूट लेकर गई हैं। वो नाइट सूट के मैचिंग की फुटवेयर भी ले गई हैं। टास्क में हुआ हंगामा।
बिग बॉस ने दूसरे हफ्ते की नॉमिनेशन प्रक्रिया के बाद बिग बॉस ने घर वालों को लग्जरी बजट टास्क दिया। इस टास्क को समुद्री लुटेरे नाम दिया गया और इसके लिए गार्डन एरिया को समुद्री जहाज में तब्दील कर दिया गया। शो की थीम के मुताबिक ही इस टास्क में भी जोड़ियों और सिंगल कंटेस्टेंट्स के बीच में मुकाबला तय किया गया। टास्क का ऐलान होते ही जोड़ियों ने सिंगल कंटेस्टेंट्स को तंग करने के लिए अपनी खास रणनीति बनाई। उन्होंने प्लान बनाया कि वो सिंगल्स पर अंडे फेंकेंगे। इस टास्क के लिए रोमिल ने सुझाव दिया कि जोड़ियों को सिंगल्स के परिवार वालों की तरफ से भेजे गए गिफ्ट को नष्ट करके उन्हें इमोशनली हर्ट किया जाए ताकि सभी सिंगल्स अपनी हार मान लें। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, देखते रहे मायापुरी कर।